नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। ग्राउंड जीरो में आज बात राजधानी भोपाल की, जहां इंजीनियरों ने एक नमूना पेश किया कि करोड़ों की चपत गई। मेट्रो फ्लोर और सड़क के बीच जो दूरी तय है उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। नतीजा ये निकला कि लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो वही दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में एक बेसमेंट पे स्कूल चलाई जा रही है, वो भी कोई 2 साल से नहीं बल्कि 2001 से। सोचिए इस स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहालों की जिंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट पूछेंगे कौन है इसका जिम्मेदार। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं भोपाल से, शैलेंद्र भदौरी, और साथ ही कोंडा गांव से विवेक भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां राजधानी भोपाल में मेट्रो का काम चल रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से चल रहा है। पहले सड़क के ऊपर मेट्रो के फ्लोर बनाया जाता है, फिर नीचे सड़क बनाई जाती है, फिर सड़क तोड़ी जाती है। वो इसलिए क्योंकि इंजीनियर साहब से चूक हो गई है। यहां पहले से पास नक्शे के आधार पर मेट्रो स्टेशन तो बना दिया गया, जब यहां से बड़ी गाड़ियां गुजरने लगी तो पता चला कि गाड़ियां फंस रही हैं। वो इसलिए क्योंकि मेट्रो फ्लोर और सड़क के बीच की दूरी बहुत कम थी। एनएचआई और पीडब्ल्यूडी का पैमाना 5.5 मीटर तय है, लेकिन जो इंजीनियर ने ऊंचाई दी वो महज 4.4 मीटर। सोचिए कैसा इंजीनियर, अब सड़क तोड़ी जा रही है, मतलब करोड़ों का चपत लगने वाला है। कोई बताएगा हर्जाना कौन भरेगा। जो ये रोड अभी बन रहा है नया रोड, ये रोड हम लोग का स्टेशन से एक हैवी व्हीकल, हाइट व्हीकल जाने के लिए जो मिनिमम क्लियरेंस चाहिए उसके लिए यहाँ पे कम पड़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से हम लोग का वो चौराहा तक 3 मीटर का डिफरेंस है, लेकिन हम लोग का जो स्टेशन है वो हम लोग कैम्बर में या तो स्लोप में स्केल में नहीं बना सकते। इसके लिए हम लोग को रोड को 602 फीट के आसपास हम लोग डाउन करके बनाना पड़ रहा है। जरा सी लापरवाही और लग गई करोड़ों की चपत। मेट्रो स्टेशन पर इस समय जो आप देख रहे हैं कि यहाँ नई सड़क बनाने का काम किया जा रहा है, ये इंजीनियरिंग की लापरवाही का एक नमूना है, क्योंकि मेट्रो के पिलरों की ऊंचाई लगभग 35 फीट तक रखी जानी थी, लेकिन यहाँ पिलर काफ़ी नीचे हैं और जिससे बड़े वाहन नहीं निकल सकते। यही वजह है कि इसके चलते सड़कों को खोदा जा रहा है। सब लगभग 5.5 फीट तक गड्ढे खोदे गए हैं और नए सड़े से सड़कों को बनाया जा रहा है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं मेट्रो प्रोजेक्ट में हो रही देरी को भुगतना पड़ेगा। तो देखा आपने कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता शैलेंद्र भदौरी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, बड़ा सवाल यह है कि इंजीनियर कैसे थे जिन्होंने अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि इनकी एक छोटी सी चूक की वजह से कितना बड़ा नुकसान होगा, करोड़ों की चपत लग जाएगी। आखिरकार यह हर्जाना वाकई में कौन भरने वाला है, क्योंकि ये जो भी विकास के काम होते हैं भले सरकार से बजट आता है लेकिन सरकार के पास राजस्व का जो पैसा जाता है, जो हम टैक्स पे करते हैं, उसी से तो बजट आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यातायात सुगम हो इसके लिए मेट्रो प्रोजेक्ट लाया गया था, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो अब या कहें कि नासमझी की भेंट चढ़ गया है। जिस इंजीनियर को मेट्रो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी उसने जो मेट्रो के स्टेशन तैयार किए उनकी ग्राउंड से दूरी जो है, यानी सड़क से स्टेशन की जो छत की दूरी है वो बेहद कम है। सीधी में तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, मैं स्टेशन के बाहर ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जो दूरी होनी चाहिए थी लगभग 5.5 फीट के आसपास, ताकि जो बड़े वाहन है चाहे बसेस हो या ट्रक्स हो वो इसके नीचे से आसानी से गुजर सके, लेकिन जब ये स्टेशन बनकर तैयार हुआ तो देखा तो ये दूरी जो है वो लगभग 4.5 फीट के आसपास थी, यानी लंबी हाइट का अगर कोई वाहन इसके नीचे से गुजरेगा तो वो गुजर नहीं पाएगा बल्कि इसमें फंस जाएगा। और यही कारण है कि अब इसके नीचे की जो सड़क है जेसीबी में आप देख रहे हो खुदाई की जा रही, लगभग 2 फुट जो है वो नीचे इसकी खुदाई की जा रही है। अब नीचे की तरफ जो है वो ढाल बनाई जाएगी और उसके ऊपर फिर जो है वो रोड तैयार किया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं बड़ा जो एक अमाउंट है उसको जो है यहाँ पर दोबारा से खर्च किया जाना है। ये लापरवाही सीधे तौर पर इंजीनियर्स की है और जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि इस स्टेशन की जो देखरेख इनको करनी है, मेंटेनेंस इनको करना है कि आखिर किस तरह का वो बन रहा है, यदि कोई लापरवाही हो रही है तो उसको तत्काल रोका जाए, लेकिन ये किसी ने नहीं रोका। जब ये बनकर तैयार हो गया, अब आप देख सकते हैं कि उसके पास जो है वो बैरिकेटिंग कर दी गई है, उसके नीचे से वाहन नहीं गुजर रहे हैं बल्कि उसके पास से जो है वो वाहन गुजर रहे हैं, और जब वो रोड बनकर तैयार हो जाएगा। शैलेंद्र, जो गलती हुई है उसको सुधार तो किया जा रहा है,
लेकिन उसके भी बहुत सारे लूप होल होंगे। अगर एक हिस्सा गहरा रहेगा, दूसरा हिस्सा ऊंचा रहेगा, तो जाहिर सी बात है इसमें भी बहुत सारी खामियां होंगी और इसमें भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और एक्शन भी लिया जाना चाहिए। जिस इंजीनियर की वजह से, जिन जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से ये इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी गलती हुई है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाना चाहिए। कर क्या रहे थे? जिस वक्त नक्शा पास हो रहा था, जिस वक्त यहाँ पर ढुलाई का काम हो रहा था, यहाँ पर मेट्रो की नींव रखी जा रही थी, जिस वक्त उस वक्त इंजीनियर कर क्या रहे थे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि थे कहां पर वो। शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एक हादसा हुआ, बेसमेंट में पानी भरने से 3 होनहारों की मौत हो गई। फिर सवाल उठे कि आखिर बेसमेंट में कोचिंग चलाने का आदेश कौन देता है? लेकिन यह सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं बल्कि हर राज्य का यही हाल है। आज आपको छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के एक स्कूल को दिखाते हैं जो बेसमेंट में चल रहा है। इस बेसमेंट को नगर पालिका ने पार्किंग के लिए बनाया था। फिर सवाल उठता है कि यहाँ स्कूल कैसे चल रहा है? क्या अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देते? नगर पालिका के लोग कहाँ हैं? किसके इशारे पर स्कूल संचालित किया जा रहा है? और अगर गलती से भी कोई घटना हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? ग्राउंड रिपोर्ट में आज इसी पर पड़ताल करेंगे और पूछेंगे, साहब लोग बताइए इस बेसमेंट वाले स्कूल का जिम्मेदार कौन है? लेकिन पहले सुनते हैं संचालक क्या कहते हैं और फिर सामाजिक कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, फिर सीधे चलेंगे कोंडा गांव विवेक के पास। एक से यह विद्यालय संचालित है। पहले यह विद्यालय किराए के भवन सरगीपाल में था। इसके बाद माननीय कलेक्टर साहब को 2019 में आवेदन किया तो इन्होंने हमें इसका सुझाव दिया नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर प्रथम तल पे, तो माननीय सीएमओ द्वारा, नगर पालिका सीएमओ द्वारा किराए में हमको अनुबंधित करके किराए में दिया गया। सरस्वती शिक्षा मंदिर का प्राइवेट स्कूल का संचालन कहीं हो रहा है, वो भी कहाँ हो रहा है? बेसमेंट में। और बेसमेंट भी कौन सा है? नगर पालिका परिषद के द्वारा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं उसके पार्किंग के लिए, जो व्यवस्था के लिए बेसमेंट बनाया गया है, वहाँ अगर स्कूल का संचालन हो रहा है तो मेरी जानकारी, जो जानकारी मिली है, तो वो निश्चित तौर पे गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि प्राइवेट स्कूल संचालन के बहुत सारे नियम कायदे होते हैं, प्राइवेट स्कूल हो या स्कूल के। कोंडा गांव का ये एक ऐसा स्कूल है जिसके पास बिल्डिंग नहीं है। आप देख सकते हैं कि बेसमेंट में पहली से लेकर आठवीं तक के कक्षा के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। दिल्ली जैसे महानगर में बेसमेंट में हादसा हुआ था, उसके बाद से सरकार सतर्क हो गई है, पर कोंडागांव शहर के अंदर में ये बेसमेंट में कक्षाएं चल रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं कि बारिश के समय में पानी भरने का भी अंदेशा बना हुआ रहता है और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनका कहना है कि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है इसलिए हम यहाँ बेसमेंट में स्कूल चला रहे हैं और पानी रोकने का हमने पूरा उपाय किया हुआ है, पर खतरा बोल कर नहीं आता है। खतरा तो कभी भी आ सकता है बिना आगाह किए, और जिस दिन कोई हादसा होगा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सुना आपने, जिस दिन हादसा होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल हो चुका है और ये सवाल इसलिए अब ज्यादा सामने आ रहा है क्योंकि दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना हुई, 3 छात्रों की मौत हो गई। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता विवेक श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। अब विवेक, आज से नहीं बल्कि 2011 से स्कूल यहां पर संचालित हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये, कितनी बड़ी घटना हो गई उसके बावजूद भी कोई सीख नहीं, बराबर से स्कूल चल रहा है बेसमेंट में? जी हाँ, इस तरीके से देखिए, बेसमेंट में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बेसमेंट में स्कूल संचालित क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो खेल का मैदान है ना शौचालय है और बेसमेंट इतने गहरे पर जहाँ पर हवा और पानी की गुंजाइश कम रहती है और कभी कई बार वहाँ पर बेसमेंट में पानी भी भर जाता है और पानी भरने से वहाँ पर लोगों को आवाजाही में तकलीफ होती है, वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आप मेरे पहले आपको दिखा दूं कि ये स्कूल का ये बिल्डिंग है, इस समय करीब 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई तो स्कूल खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई है नहीं। और इस स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं और सारे के सारे दूरस्थ अंचल के हैं, मुश्किल से 5% बच्चे जो हैं शहर के होंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो स्कूल संचालक है इसे प्रथम तल बता रहे हैं, जबकि प्रथम तल कहाँ होता है उन्हें यही नहीं पता है, ये बेसमेंट है जिसको प्रथम तल बता रहे हैं। और हमारे साथ में समाज जो वरिष्ठ नागरिक है शहर के और समाज सेवी हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि सर ये देखिए ये बेसमेंट में स्कूल चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके, क्योंकि अभी दिल्ली में हादसा हुआ और उसके बाद यहाँ पर नौनिहाल पढ़ रहे हैं।
देखिए क्या है, प्राइवेट स्कूल संचालन के बहुत सारे गाइडलाइन होते हैं और ऐसे कंडीशन में जिला मुख्यालय कोंडागांव नगर में ही यदि कोई स्कूल प्रथम तल नहीं बल्कि ग्राउंड फ्लोर में चले और वो भी सिचुएशन देख के साफ जाहिर है, ये जो स्थिति है कि पानी अगर तेज बारिश होती है तो बेसमेंट में पानी जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर यदि कोई हादसा होता है तो आखिर जिम्मेदारी, क्योंकि अधिकारी भी यहाँ से आते जाते रहते हैं और जिस तरीके से स्कूल संचालक का कहना है कि हमने कलेक्टर से आदेश पर किया है। देखिए पहला जिम्मेदारी तो स्कूल संचालक का होना है, लेकिन जिला प्रशासन यही सब देख रहे, मतलब जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके ही अनुमति पे कोई भी स्कूल का प्राइवेट स्कूल का संचालन होता है। किसी भी प्राइवेट स्कूल का संचालन के लिए जिम्मेदार जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनके अनुमति या अनापत्ति के बिना कोई स्कूल संचालन नहीं हो सकता। तो ये आप देखिए जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो समाज सेवी है उनका कहना है कि शिक्षा विभाग भी इसमें सबसे बड़ा दोषी है, क्योंकि तो शिक्षा अधिकारी की अनुमति के बिना स्कूल का संचालन हो नहीं सकता। पर अब इसको किसने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया और किसने कैसे इसको नगर पालिका ने दे दिया, क्योंकि नगर पालिका ने तो इसे पार्किंग के लिए जगह बनाई थी लेकिन अब शहर में पार्किंग नहीं है और पार्किंग की जगह पर स्कूल संचालित हो रहा है। और जिस दिन किसी कोई बड़ा हादसा होता है तो आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, यही एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए विवेक। तो इस तरीके से आप देखिए कि लापरवाही की हद पार हो गई, इतना बड़ा घटनाक्रम है उसके बावजूद कोई सीखने कोई सबक नहीं।